तो एक्चुअली हमारे पीछे आप अभी कुछ देख सकते हैं, ये मैं कट्स के दौरान मैं इसे दिखा दूंगा। बेसिकली काफ़ी दिनों से मेरा प्लान था कि मैं कैमूर रेंज के जो भित्ति चित्र या फिर रॉक पेंटिंग्स हैं उन्हें लोगों के सामने लाऊं, और प्लान करीबन 2-3 सालों से पोस्टपोन्ड हो रहा था किन्हीं वजहों से, लेकिन आज फाइनली मौका मिला है। एंड ये सारे जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये जो है इस इलाके में, फिर इधर है, फिर नीचे में है, काफ़ी सारे इमेजेस मतलब बेसिकली पेंटिंग्स हैं जो बनाए गए हैं। सबसे बुरी बात ये है कि ये फेड हो रहे हैं और शायद इनका जो मैसेज है वो उतना ज़्यादा क्लियर भी नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। इसके अलावा 2-3 और लोकेशंस थे जिसमें मैंने वीडियोस लिए, वो मैं वीडियो के दौरान कहीं ना कहीं डाल दूंगा, वो दिखा दूंगा। बेसिकली मेरा यही कहना है कि देख के जिस एक्साइटमेंट से मैं आया था वो एक्साइटमेंट मेरा कहीं ना कहीं धीमा पड़ गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जिस स्टेट में मैंने इसके पिक्चर्स देखे थे वो शायद ये नहीं है, वो उस स्टेट में नहीं है। तो बाकी अगर आगे कुछ मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे, नहीं तो समझिए वीडियो का एंड होगा। तो बेसिकली ये सेकंड स्पॉट नहीं है, बेसिकली आई थिंक ये फोर्थ स्पॉट है यहाँ का, और मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ही पेंटिंग्स दिख रहे हैं जो कि आपको बेसिकली अभी कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि फैले हुए हैं, और डिटेल्ड शॉट में अगर उन्हें दिखाया जाए तभी पॉसिबल है। बट अगर मैं थोड़ा सा जूम करने के लिए बोलूँ आकाश को, तो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे कोई भैंस या गाय का चित्र है, कुछ इंसानों के चित्र हैं, यहाँ पे हिरन का चित्र है, फिर यहाँ पे इंसान है। सबसे गजब बात तो यहाँ पे दिखता है कि किसी सुरेंद्र बाबू ने अपना नाम इस इतिहास के साथ जोड़ दिया है, सुरेंद्र कुमार स्पेशली आए थे, तेजस बाबू भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने लाइफ लॉन्ग अपना जो क्या बोलते हैं छाप छोड़ दिया है भित्ति चित्रों के साथ, रॉक पेंटिंग्स के साथ। एक्साइटमेंट थोड़ा डल हो रहा है क्योंकि जो एक्साइटमेंट के साथ आए थे वो शायद समय के साथ ख़त्म हो रहा है, फेड हो रहा है, विच इज़ सैड। ये अगर किसी और स्टेट में होता तो शायद किसी और स्टेट में होता, तो आप मेरे बात के पीछे के मतलब को समझिएगा, और अगला अगर पढ़ाव पर कुछ और मिलता है तो दिखा देंगे। ये आज का हमारा पांचवा स्पॉट है, और बेस्ट पार्ट ये है कि कहावत है अंत भला तो सब भला। एक्साइटमेंट के साथ जब विष्णु भैया आए थे यहाँ पे तो बोले आशीष देखो बहुत ज़बरदस्त है, और एक्चुअली ये ज़बरदस्त है, मतलब सारे जो भी पेंटिंग्स है उसके डिटेल्स समझ में आ रहे हैं, इतना समझ में क्लियर आ रहा है कि ये कोई जानवर है, या तो सींग से समझ में आ रहा है कि ये हिरन या बारहसिंगा उस टाइप का कुछ हो सकता है, या भी सांबर चीतल जो भी इस इलाके में पाए जाते हैं, या फिर बैल हो सकता है। तो उनके मुकाबले अगर कंडीशन की बात की जाए तो बेसिकली इनका कंडीशन कहीं ज़्यादा अच्छा है। मुखिया जी से भी बात हुई थी यहाँ की तो उन्होंने बताया कि ये बचपन से ऐसा ही है, तो मतलब कलर्स की बात की जाए और इसके डिटेलिंग्स की बात की जाए शायद अभी समय है, अभी लेट नहीं हुआ है। तो एक कहावत और भी है कि देर आए दुरुस्त है, बिहार हमेशा अपने इतिहास को लेकर गर्व करते रहा है, और इतिहास का क्या ख्याल रखते हैं वो पिछले कई वीडियोस में हम दिखा चुके हैं, और ये भी एक पार्ट है। सो आई थिंक ये वीडियो एंड करने का समय आ गया है, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी इन डिटेल हम दिखाएंगे, और तब तक के लिए बाय।